हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कश्मीर की खूबसूरती वाकई ही अपने आप में किसी जन्नत का सा मंजर पेश करती है, मगर बदकिस्मती से इस जन्नत नजीर वादी का हुसन अब अक्सर बंदूकों और तोपों की नजर रहता है, जिसकी बुनियादी वजह है भारत की बढ़ती हुई जारियत। भारत के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर तीन हिस्सों पर मबनी है, जिनमें सबसे बड़ा और हसास हिस्सा LOC कहलाता है। कहीं पहाड़ों, चट्टानों और कहीं नदी नालों के दरमियान से गुजरती हुई लाइन ऑफ कंट्रोल कमोबेश 750 किलोमीटर पर मुहित। लाइन ऑफ कंट्रोल 1972 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली शिमला मुआहदे के बाद वजूद में आई। वाजे रहे कि पाकिस्तान LOC की कानूनी हैसियत को तस्लीम नहीं करता, मगर जंगबंदी और खित्ते के अमन के नजरिया जरूरत के तहत इसे बरकरार रखे हुए है। मगर LOC पर भारत की जानिब से अस्करी जारियत अब एक मामूल बन चुकी है। फौजी चौकियों को तो निशाना बनाना एक तरफ, मगर भारत की जानिब से आजाद कश्मीर में बसने वाले शहरी इलाकों को भी शदीद निशाना बनाया जाता है। तीन दिन कबल ही भारत की जानिब से एक जनाजे पे फायरिंग के नतीजे में दो शहरी शहीद हुए। 2017 इस हवाले से खासा अहम साल रहा है। इस साल बाकी तमाम सालों के मुकाबले में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी या सीज फायर वायलेशन के वाकयात सबसे ज्यादा पेश आए हैं। भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में इस साल कम अज कम 70 शहादतें हो चुकी हैं। भारतीय जारियत की इस पॉलिसी ने आजाद कश्मीर में बसने वाले कमोबेश 45 लाख शहरियों की जिंदगी को मुसलसल खतरे में डाला हुआ है। कुछ माहिरीन के मुताबिक बढ़ती हुई भारतीय जारियत की वजह मकबूजा कश्मीर के अंदर आजादी की जोर पकड़ती हुई तहरीक है। सिर्फ 2017 में अब तक भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी के 1900 से जायद वाकयात हो चुके हैं। महाज ने अपने कश्मीर के सफर का आगाज पाक फौज की मरी में वाके 12 डिवीजन से किया। कश्मीर का महाज 3 अक्साद पर मुश्तमिल है और आप आज इस सिलसिले की पहली किस्त मुलाहिजा कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज कश्मीर के नाम, कश्मीर द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इन द वर्ल्ड। अक्वामे मुत्तहदा के मुताबिक दुनिया का सबसे लंबा अनरिजॉल्व्ड फड्डा। अब मैं इस वक्त मरी में हूँ, कश्मीर टेक्निकली शुरू नहीं हुआ, मगर जो कश्मीर का फ्रंट है, जो ईस्टर्न फ्रंट है आपका, जो आपने 1947 से 1947 से आपने जो संभाला हुआ है, जिसके ऊपर 2.5-3 जंगें हो चुकी हैं, उसका जो मेन जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फ़ौज की है, वो तो आपको पता होगा कि फ़ौज में अलग अलग कोरें हैं, मगर जो कश्मीर को जो कोर देखती है उसका नाम है 10 कोर। 10 कोर पाकिस्तान आर्मी की नहीं, शायद दुनिया की
کورز میں سے بڑی فارمیشنز میں ایک بڑی فارمیشن قرار دی جاتی ہے. کور کے نیچے لگتی ہے ڈیو, ڈویژن کہتے ہیں, اور یہ ڈویژن ہیڈ کوارٹرز ہے. 12 ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر ہے یہ. یہ چنار ڈویژن, اسے پیار سے ہماری جو فوج ہے اسے پیار سے چنار ڈویژن کہتی ہے, کیونکہ کشمیر میں چنار کا درخت بڑا مشہور ہے. جو 12 ڈویژن ہے وہ 10 کور کی سب سے بڑی فارمیشن ہے. فوج میں ایک پیرامڈ ہوتا ہے, سب سے اوپر جی ایچ کیو ہوتا ہے, پھر کور ہوتے ہیں, کور کے نیچے ڈیوز ہوتی ہیں, ڈیوز کے نیچے بریگیڈز ہوتی ہیں. ہم نے کور سے شروع کیا, پنڈی سے ہم 12 ڈیو آئے, 12 ڈویژن سے اب ہم نیچے 2A کے بریگیڈ جا رہے ہیں. ہم ہیں اس وقت مری میں, آگے ہم جا رہے ہیں راولا کوٹ. راولا کوٹ بھی تقریباً 5,000-5,500 فٹ کی بلندی پہ ہے. اب چکر یہ ہے کہ راولا کوٹ جا کیوں رہے ہیں؟ کشمیر میں تو بہت سارے علاقے لگتے ہیں. راولا کوٹ ہم اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ پچھلے سال میں, یہ جو 2016-17 گزرا ہے, چار گنا انڈین سیز فائر وائلیشنز انکریز ہوئی ہیں, چار گنا. اور زیادہ تر وہ جو وائلیشنز ہیں جس میں انہوں نے موٹر, مشین گنیں اور ایون آرٹلری تک استعمال کی ہے, جس میں انہوں نے فوج کے لڑکے شہید کیے ہیں, جس میں انہوں نے عام سویلین شہید کیے ہیں, ہم اس ایریا میں جا رہے ہیں, اس حصے میں جس میں سب سے زیادہ کشیدگی ہے. جو راولا کوٹ کا 2A بریگیڈ جدھر لگتی ہے, اس سیکٹر میں جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ پتہ کریں کہ ادھر فوج کیا کر رہی ہے, پتہ کریں ادھر جو عام بیچارہ کشمیری ہے وہ کیا سہ رہا ہے. چار گنا زیادہ اگر انڈین سیز فائر وائلیشنز ہوئے ہیں, کیوں ہوئے ہیں, اس میں انڈیا کی کیا اسٹریٹجی ہے, کیا ایسی چیز ہو گئی ہے کہ پچھلے سال کی بنسبت اسپیشلی اس جگہ میں, راولا کوٹ میں, انہوں نے اپنی جو بدماشی ہے وہ چار گنا زیادہ انکریز کی ہے. ڈالا ہمارا تیار ہے, اکوپمنٹ ہمارا بھرا ہوا ہے, ہم اپنا ٹاپ بھول گئے ہیں, ورنہ وہ بھی ہم ڈال دیتے. ویدر کلیئر ہے, میرا خیال ہے کیا ویدر ہوگا, 10-11-8-9 کے درمیان ویدر ہے. باپیں نکال رہی ہیں, میں جا رہا ہوں راولا کوٹ. 12 ڈیو سے ہم واپس نہیں آئیں گے, 2A کے بریگیڈ سے آگے جا کے ہم الگ الگ انفنٹری, آرٹلری اور مجاہد بٹالینز سے گپ لگائیں گے. آئے میرے ساتھ. ویلکم ٹو دا لائن آف کنٹرول. لائن آف کنٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی ضرورت ہے, اور اس وقت میں ایک کمانڈ پوسٹ میں ہوں. ان اے وے آپ سمجھ لیں, میں مجاہد فورس, مجاہد بٹالین جو ہوتے ہیں ان کے کمپنی کمانڈر کے دفتر میں ہوں. ابھی کیسا دفتر ہے کہ اس میں نہ پینٹ ہے نہ اس میں تصویریں ہیں. تصویریں بھی دکھاؤں گا اور پینٹ بھی دکھاؤں گا. پہلے تو یہ جو پینٹ ہے, یہ ری انفورس کانکریٹ کا بنکر ہے. یہ آرٹلری شیل اگر خدا نخواستہ لگے تو آرٹلری شیل بھی سہ سکتا ہے. سب سے بڑا جو ویپن ہوتا ہے کسی بھی کمانڈر کے پاس وہ آبزرویشن ہوتا ہے, انفارمیشن ہوتا ہے, سرویلنس ہوتا ہے, جو وہ اس دوربین سے کرتا ہے. اس کی الگ الگ ونڈوز ہیں. ایک کھڑکی یہ ہے مقبوضہ کشمیر کی طرف, ایک کھڑکی یہ ہے دوسری طرف رج لائن کی طرف, ایک کھڑکی یہ ہے خود اپنے لڑکوں سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے وغیرہ فائرنگ کے دوران. تو سب سے بڑا ویپن پہلے تو اس کی ونڈوز, اس کے جو اینگلز ہیں, سیلینٹ پوائنٹ جو وہ دیکھ سکتا ہے, اور اس کی دوربین. پھر عام اگر دفتری دن ہے, عام اگر دفتری دن ہے تو یہ میپ سے وہ کوئی کام نہیں کر رہا. وہ ریگولرلی اس میں سوئچ بورڈ میں لگا کے بات کر رہا ہے اس سے. اسے لائن کمیونیکیشن کہتے ہیں. عام اپنے لڑکوں سے جو ہائی ہیلو کر رہا ہے وہ لائن کمیونیکیشن سے کر رہا ہے. سب پوسٹیں جو ہیں ان سے یہ بات کر سکتا ہے. پیچھے جو بگ باس بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کر سکتا ہے, لائن کمیونیکیشن. پھر وائرلیس کمیونیکیشن کا کام ہوتا ہے. یہ خالی ایمرجنسی کے دوران, وائرلیس سیٹ جو لگا ہوا ہے یہ ایمرجنسی کے دوران استعمال ہوتا ہے. فلموں میں دیکھا ہوگا آپ نے, یہ کیری بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر انکرپٹڈ سپر سیکیور کمیونیکیشن کے لیے LMRs یوز ہوتے ہیں. اس میں تصویریں جا سکتی ہیں, اس میں کوڈز جا سکتے ہیں, اس میں SMSs جا سکتے ہیں, اس میں کانفرنس کال ہو سکتی ہے. اس میں آپ جنرل صاحب سے جو وہ مری میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی لے کے, باقی سب بریگیڈیئرز کو, کرنل صاحبوں کو لے کے آپ بات کر سکتے ہیں, سچویشن ایکسپلین کر سکتے ہیں, خالی اتنے چھوٹے سے دفتر سے. دس از دا بیوٹی آف دا کمیونیکیشن سیٹ اپ. یہ جو میرے پاس جو میپ پڑا ہوا ہے میں زیادہ نزدیک سے نہیں دکھاؤں گا,
मगर ये जो मेरे पास मैप पड़ा हुआ है, ये जो है इसके कोऑर्डिनेट्स देख के मैं एज कंपनी कमांडर इधर से अपना फायर डायरेक्ट कर सकता हूँ। पीछे से आर्टिलरी अगर मेरे पास है उसको बता सकता हूँ कि फायर इधर से आ रहा है। ऊपर से खुदा ना खास्ता बिल्कुल ही ऑल आउट वॉर हो रही है तो ऊपर से मैं एयरफोर्स को गाइड कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। मगर जो मेरे स्मॉल आर्म्स हैं उनकी गाइडेंस मैं इधर से कर सकता हूँ। फिर फर्ज करें फायरिंग ज़्यादा हो गई, इमरजेंसी हो गई, स्टैंड टू जिसे कहती है फौज, फिर ये होता है। फिर मैं अपना हेलमेट पहनता हूँ, मैं अपना वेपन उठाता हूँ, ठीक है, कॉक करता हूँ, अभी नहीं करूँगा, और फिर मैं निकल जाता हूँ। मैं निकलता हूँ और मैं आ जाता हूँ इधर कम्युनिकेशन ट्रेंच में। कम्युनिकेशन ट्रेंच डिज़ाइन ही ऐसे है कि मैं क्रॉल करता हुआ फायर हो रहा है, मैं क्रॉल करता हुआ अपनी ट्रेंच से लेफ्ट भी जा सकता हूँ एक बंकर के लिए, राइट भी जा सकता हूँ, राइट जाता हूँ, फायर हो रहा है, फायर का जवाब डिपेंडिंग ऑन वेयर आई एम, बट ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए। इसे कम्युनिकेशन ट्रेंच इसलिए कहते हैं क्योंकि एक जो मेरी कमांड पोस्ट है वो मुझे कम्युनिकेट करती है दूसरी ट्रेंच से जिसके अंदर मैं आ गया हूँ। अब ये मेरा फायर बंकर है, मेरा फायर बंकर है और हैवी वेपन्स जो हैं मेरे वो तैयार है, ठीक हो गया। हाइट बहुत है, मुझे सांस चढ़ गई है, बट ये इधर LMG लगी हुई है, उसका पट्टा, उसका गनर, उसका ट्राईपॉड बाईपॉड बल्कि उसका लगा हुआ है, उसकी साइट्स इस वक्त एनिमी की तरफ है। ये वेरी इंपॉर्टेंटली एक और मेरा छोटे आम के साथ गनर है, क्या हाल है? अस्सलाम, ठीक है, खैरियत से, लग जा पोजीशन पे। अब ये अगेन बंकर भी कस्टम बिल्ट होता है, ये इसमें तीन विंडोज क्यों हैं? इस तरफ विंडो क्यों नहीं है? इस तरफ है, इस तरफ है, उस तरफ है, क्योंकि इंडियन मोर्चा इस तरफ है, इस तरफ है और उस तरफ है। इस तरफ कुछ नहीं है क्योंकि इस तरफ हम खुद हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये रीइंफोर्स्ड जो स्टील है उसकी उसका नेट लगा हुआ है। फायरिंग जब होती है ये भी रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट है, मगर अगर दीवार गिरे तो ऊपर ना गिर जाए। जो जाली है स्टील की, जो जाली है ये उसे कंट्रोल करती है मलबे को। तो अगेन मैं इधर से भी फायर असेस कर सकता हूँ, मैं इधर से भी ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ इधर से, और कम्युनिकेशन ट्रेंच के थ्रू मैं मूव कर सकता हूँ। और फिर वेरी इम्पोर्टेंटली मैं जब फातह हो जाता हूँ और मैं जो फायर है उसको सप्रेस कर देता हूँ और जो दुश्मन है उसको मैं फारिग कर देता हूँ और आराम से अपना वेपन करके कैसे हैं? सलामुअलैकुम, मैं जो सुहेल, हाउ आर यू सर, कैसे हैं? मैं कह रहा था जब मैं फायर सप्रेस कर देता हूँ तो इधर आके ना मैं चाय पीता हूँ, है ना, और मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरा मुल्क कितना शानदार है। अच्छा सुहेल, इन द लाइफ ऑफ अ नॉर्मल कंपनी कमांडर क्या आम दिन कैसे गुजरता है? वी स्टार्ट ऑफ अ डे सुबह के स्टैंड टू से। अच्छा, वो स्टैंड जो अभी हमने किया है? जी हाँ, ये स्टैंड टू हम फर्स्ट लाइट से पहले करते हैं, ठीक है, और इसको प्रोलॉन्ग करते हैं फॉर एन आवर और सो, ठीक है, और ड्रिल करते रहते हैं। जो ड्रिल करते रहते हैं कि अगर किसी भी सिमत से हम पे कोई हमें कोई ख़तरा हो वो, क्योंकि नॉर्मली इन डिफेंस जो चीज़ ये देखी जाती है कि जो ज़्यादा ख़तरा आपको महसूस होता है वो शाम के वक्त या सुबह फजर के वक्त। लास्ट टाइम आपने फायर कब ली थी इस पोस्ट पे, कितने दिन हो गए? 3 days ago। किधर फायर किधर लगा था? सेम दिस लोकेशन रिसीव लॉट मैनी अटली मोटर फायर, मोटर राउंड लगा था, मोटर और हैवी मशीन गन फायर। तो उस वक्त आप स्टैंड टू में आ गए थे? स्टैंड टू में आ गए, मतलब जो आपने वी ऑक्युपाइड ऑल द ट्रेंचेस व्हिच वर रिक्वायर्ड एंड आपने जवाबी फायरिंग की? जी हमने जवाबी फायरिंग की। ये करते क्यों है फायर आप? उस तरफ भी मुसलमान है, इस तरफ भी मुसलमान है, वो यहाँ पे फायर करते हैं, सिर्फ हमें एंगेज नहीं करते बल्कि साथ साथ जो पॉपुलेशन है उसको भी हरासमेंट के लिए फायर करते हैं। थैंक यू कंपनी कमांडर मेजर सुहेल ऑफ द मुजाहिद बटालियन। जी हे वी आर लाइफ ऑन द LOC, आप ट्रेंचेस सेटअप हैं, अजान हो रही है, दम पोस्ट जो है वो 1700 पे है। नॉर्मल कंपनी कमांडर कैसे मूव करता है वो मैंने आपको दिखाया, ये नॉर्मल उसका जो SMG है, बैटल हेलमेट है उसका, वेरी इंपॉर्टेंटली
मैंने वेस्ट नहीं पहनी जो फ्लैग जैकेट होती है। आज इंशाल्लाह मामला ठंडा है, मगर इस वक्त हमारी साइट्स में हैं सामने इंडियन पोस्ट जो हैं, सामने हमारी साइट्स में हैं, हम उनकी साइट्स में हैं। ये कंपनी हेडक्वार्टर तो फिर भी दूर है, मगर वो अगर आप सामने देखें, वो उधर से देखें आप, तो वो तकरीबन मुझे बताया जा रहा है 70 मीटर का फासला है जो हमारी पोस्ट है और जो उनकी पोस्ट है। तो ये हैं जी हमारे मुजाहिद, ये है हमारी इन्फेंट्री का रोल, ये हैं हमारे दस्ते एंड ये है हमारी फौज। ओके, नाउ इम्प्रॉम्प्टू जो है वो चीज़ें होती हैं, हमें भूख लगी, हमने पहला जो है यूनिट वो देखा, उधर रुके और फर्स्ट नथिंग मूव्स टिल वी डू, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सर्विस कोर है जनाब, इन्फेंट्री हमने आपको दिखाई है, गनर्स हम आपको ऑफकोर्स दिखाते रहते हैं, कैवलरी हमने बहुत आपको दिखाई है, बट वी हैवंट शोड यू द सर्विस कोर। और जो वन एनिमल ट्रांसपोर्ट जो रेजिमेंट है, अब आप पूछेंगे कि एनिमल ट्रांसपोर्ट रेजिमेंट का क्या काम है, एनिमल ट्रांसपोर्ट का रेजिमेंट काम ये है, ये म्यूल ट्रेन्स, बिकॉज ये दुनिया के हाईएस्ट बैटल फील्ड्स में शुमार किया जाता है। कश्मीर अंग्रेज़ों के ज़माने से बल्कि ये रेज हुई भी है, दिस इज़ द 180 रेजिमेंट, फर्स्ट एनिमल ट्रांसपोर्ट रेजिमेंट, जिधर गाड़ी नहीं जा सकती, और ऐसी इधर एरियाज़ हैं, ऐसी लोकेशनें हैं, ऐसी चट्टाने हैं जिधर गाड़ी नहीं जा सकती, जिधर गाड़ी नहीं जा सकती उधर ये जो हैं म्यूल ट्रेन्स चलती हैं, बिकॉज तकरीबन आधे साल में आपके जो एरियाज़ हैं वो बंद होते हैं, इनएक्सेसिबल होते हैं, गाड़ी नहीं जा सकती। विंटर सीजन की डंपिंग जो है वो हम लोग करते हैं। तो हाउ टफ लाइफ इज इट, हाउ डिफरेंट इज इट, बिकॉज हमने देखा तो हुआ है, वो भी खड़े हुए, घोड़े भी आपके पास हैं, घोड़े भी हैं, दिस लाइफ आई थिंक इज मोर टफर देन इन्फेंट्री। अच्छा, अब क्या क्या ले जाते हैं आप ऊपर? हम इन पे कैरी करते हैं इनका राशन, ड्राई राशन, टेंट स्टफ होता है और उसमें किट वायर होता है, प्लस एमुनेशन ऑन रिक्वायरमेंट। और इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि द वॉर मस्ट गो ऑन। अच्छा, अब अगेन हमने छोटा सा डिटोर लिया है, मगर ये डिटोर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो आपका वॉर फाइटिंग एफर्ट है ये उसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आपका जो घोड़ा है वो खाली अफसरों को मिलता है, और जो आपका 80 रेजिमेंट है, जो एनिमल ट्रांसपोर्ट रेजिमेंट है, जो चिटाने आपके सामने हैं, अब अगेन मकसद ये है कि जो म्यूल ट्रेन जा रही हैं, जो आपका सप्लाई चेन लगा हुआ है, आधा साल आपके रास्ते बंद होते हैं, गाड़ियां नहीं जा सकती, रोडों का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, म्यूल ट्रेन जा रही हैं, टनों के हिसाब से सामान जा रहा है, दाल जा रहा है, जा रही है, आटा जा रहा है, गोला, बारूद वगैरह, अब वो म्यूल्स तो जा रहे हैं, मगर साथ साथ ये जो हैं हमारे ये जो हैं हमारे घोड़े, ये अफसरों को दिए जाते हैं। इसका चक्कर ये है कि घोड़ा डिज़ाइन नहीं है क्लाइमेट के लिए, घोड़ा जो है वो डिज़ाइन नहीं है क्लाइमेट के लिए, म्यूल जो है, खच्चर जो है, वो बेहतर तरीके से सामान जो है वो मूव कर सकता है, मगर घोड़े का चक्कर ये है कि अफसरों के लिए जो दफादार होते हैं, बाकी जो पर्सनल होते हैं उनके लिए पर्सनल ट्रांसपोर्ट है, इसे राइड करना, बाय द वे इसका भी नंबर है, इसका नंबर क्या है, 6 नंबर है इसका, इसकी फाइल है, इसका मेडिकल रिकॉर्ड है, इसकी सर्विस हिस्ट्री है, ये भी सिपाही है, इसका एंट्री नंबर, इसका सर्विस रिकॉर्ड, इसने अगर किसी को गिराया चिराया है, जो आई होप मुझे ना गिराए, इसने अगर किसी को गिराया चिराया है, इसे कोई चोट छोट लगी है, इसने किसी से बदतमीज़ी की है, ये सब जैसे अफसरों का और सिपाहियों का जो रिकॉर्ड रहता है वैसे इसका भी रहता है। अगेन दिस इज़ इन अ वे अ सोल्जर। अब अफसरों के लिए ये डेडिकेटेड है, और इसे जो राइड करते हैं, इसे इन पहाड़ों में राइड करना, इन चट्टानों में राइड करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि एसेंशियली हॉर्सेस आर रनिंग एनिमल्स, इनको भगाने के लिए ब्रीड किया गया, ठीक है, हॉर्सेस
are not climbing animals. इनसे क्लाइम करवाना जब आप करते हो चढ़ने में भी मुश्किल है उतरने में भी मुश्किल है डरते हैं गिरा देते हैं बट रुक जा अगेन कश्मीर का जो वॉर एफर्ट है उसमें इंसान हैवान दोनों साथ हैं फौज के अलग अलग कंपोनेंट्स हम आपको दिखाएंगे मगर अगेन फिर से बोलता हूँ इन्फेंट्री का इधर डेफिनेटली रोल है पैदल फौज का गनर्स का आर्टिलरी का डेफिनेटली रोल है तोपखाने का मगर जो आर्मर्ड ट्रांसपोर्ट रेजिमेंट है कम ऑन उसका कुछ और है वेलकम टू बाग अब अमेजिंग इजन इट ये बाग वैली जो है ये रूट पे हमारे आई है और हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स स्ट्रेटिजिकली वेरी इम्पॉर्टेंट मगर मैं याद दिलाता चलूं कि 2005 का जो जलजला था उसमें बाग वाज ऑलमोस्ट फ्लैटेंड मगर रिवाइव हुई है इकॉनमी रिवाइव हुई है आज़ाद जम्मू कश्मीर की रीबिल्ड हुई है बाग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर बाग ही बाग हैं आप देखें फोलियज अमेजिंग किस्म की है अमेजिंग ग्रीनरी इट्स एक्चुअली गॉर्जियस कहते हैं खाना इधर का बड़ा अच्छा है आप इधर के हैं क्या नाम है आपका वालेकुम सलाम कैसे हैं ठीक ठाक क्या नाम है आपका मोहम्मद बिलाल सर क्या करते हैं आप इधर सर कंट्रैक्टर हैं छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी अच्छा तो बाग के हालात सही हैं अब अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हो गए आप जलजले के वक्त इधर थे जी हमारा घर यहाँ पे जलजले के वक्त तो जब से मैंने अभी बोला जो रिकंस्ट्रक्शन हुई है हालात बेहतर हुए हैं काफी बेहतर हो गए काफी जबरदस्त हर चीज बन गई है देखें जैसे ब्रिज बन गए ये यहाँ पे पहले रोड नहीं थी ये पार्क बने हैं जलजले के पास सराउंडिंग में जाएं तो हर तरफ छोटे छोटे काम हुए हैं बड़े बड़े काम हुए हैं हर एक चीज़ यहाँ पे जो है ना बड़ी प्रॉपर तरीके से हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह आप को याद है कि वो जलजला जब हुआ था 8 अक्टूबर 2005 कैसे हिला था ये शहर क्या हुआ था क्या कितना गिर गया था सर सारा डैमेज हो गया था मतलब 85% डैमेज हो गया 85% और कितने लोग शहीद हुए थे सैकड़ों के हिसाब से नहीं हजारों के हिसाब से बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ चलें मेहरबानी मैं आगे जा रहा हूँ अपना ख्याल रखिए आप पहले बागी हैं जिसे मैं मिलूं आपसे खुशी हुई काफी सारे इंटरव्यूज देखे मैंने बहुत फॉलो करते हैं थैंक यू अब ये जो हम आ गए हैं ये लजना टॉप के पास आ गए हम ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो बडाई बल्ज है ना जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जो मकबूजा कश्मीर है उसके दो जो अहम जो शहर हैं पूंछ और उरी उनको डाइसेक्ट करता है और बड़ी तकलीफ़ होती है हिंदुस्तानियों को कि पाकिस्तान के पास ये जो है ये इलाका है स्ट्रेटिजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है नज़र आता है इधर से पूंछ शहर आगे से मैं आपको भी दिखाऊंगा बर्फ़बारी शुरू हो गई है टेम्परेचर ड्रॉप हो गया क्लाइंब किए जा रहे हैं चले जा रहे हैं बट वाइट कोनिफरस फॉरेस्ट हैं जी इनके बहुत मतलब जिसे कहते हैं ग्रीन ही ग्रीन है इधर आके समझ आती है कि कश्मीर का जो मसला है वो क्यों है क्योंकि खूबसूरती जो है अनबिलीवेबल इट्स रियली इट्स गॉर्जियस दिस इज़ व्हाई कश्मीर इज़ प्रेशियस दिस इज़ व्हाई कश्मीर इज़ आवर्स Close call. Lightning crashes. हाँ वो famous जो गाना था तो lightning crashes इधर होते हैं ये वही ऐसे ही दरख्त हैं जिन्हें बिजली लगती है सड़ जाते हैं बहुत सारे आप देखेंगे मगर हमें नहीं बिजली लगनी हमें कुछ नहीं होना ये important इसलिए मैं रुका हूँ क्योंकि इस तरफ हाजी पीर है मुजफ्फराबाद हमारे पीछे रह गया है हाजी पीर बड़ा स्ट्रेटिजिकली इम्पोर्टेंट साइट है बड़ी उधर लड़ाइयाँ हुई हुई हैं मगर मैं इस वक्त लजना टॉप पे आ गया हूँ ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है आपको इधर से आई होप मेरे कैमरे की दूरबीन इतनी अच्छी है कि मैं दिखा सकूँ स्नो तो आपको नज़र आ रही है ना
یہ سنو پہلے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے مگر سنو کے علاوہ یہ بیچ میں جو نلہ جا رہا ہے نا یہ نلہ جو ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس نلے یہ نلہ لگتا ہے پونچھ ریور کو پونچھ کا جو دریا ہے اور اس طرف پھر مقبوضہ کشمیر شروع ہو جاتا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے وہ جو دھواں آپ کو دیکھ رہا ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے یہ عام بارڈر کی طرح نہیں ہے لائن آف کنٹرول کے ڈفرنٹ ایریاز ہیں کچھوں پہ فینسنگ بھی ہوئی آپ کو فینسنگ بھی دکھائیں گے کچھوں پہ پہاڑیوں سے یا نیچرل جو ٹرین ہے اس کے حساب سے کہ جی یہ اس یہ جو دریا ہے اس کے اس طرف آپ ہیں اس طرف ہم ہیں لائن آف کنٹرول 71 کی جنگ کے بعد سملا اگریمنٹ جو ہوا تھا اس وقت بنی تھی بائی دا وے لائن آف کنٹرول جو ہے 47-48 میں جو سیز فائر لائن ہے اس سے اس کی ڈیمارکیشن اس سے ذرا سی ڈپلومیٹکلی ڈفرینٹ ہے اور پیچھے نیچے پھر سیال کوٹ تک چلتی ہے آپ کی ورکنگ باؤنڈری جو انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے ورکنگ باؤنڈری اس کی الگ نوانس ہے مگر ادھر جو سیٹ اپ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ جو نلہ ہے اس کے اس طرف مجاہد بٹالین لگتی ہے اس طرف 24 FF لگتی ہے مجاہد بٹالین کیا ہے 24 فرنٹیئر فورس کیا ہے دونوں آپ کو آج دکھائیں گے مگر اگین دونوں کا ایک انفنٹری رول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ادھر کا ٹرین ہے زیادہ تر ادھر پیدل فوج کا ہی کام ہے یس آرٹلری کا بھی کام ہے ان سے بھی ہم جا کے ہائی ہیلو کریں گے مگر ہمیں کچھ الرٹس آ رہے ہیں کچھ ریسنٹ تھریٹس ہیں جو ریسنٹ تھریٹس ہیں ان سے انفارچونیٹلی کچھ خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کریں گے ایک یہ ہے کہ اسی ایریا میں آگے جا کے پہلی بار انڈینز نے اپنے ٹینکس بھی ڈپلوائے کر دی ہیں ٹینکس بھی لگے ہیں T-90s لگے ہیں اکارڈنگ ٹو انٹیلیجنس رپورٹس دو ٹروپس ایک ٹروپ میں 6 ٹینک ہوتے ہیں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور کشیدگی جو ہے اس کا جو چانس ہے وہ انکریز ہو گئی ہے مگر اس علاقے میں ٹینک لانا کتنا مشکل کام ہوگا آبویسلی انہوں نے کسی ریزن کے لیے کیا ہے اور جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایکوریٹ فائر ہوتا ہے اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کتنا ہوتا ہے کلوزر اینڈ کلوزر آئی بال ٹو آئی بال آپ نے سنا ہوگا کہ انڈین اور پاکستانی ٹروپس جو ہیں وہ آئی بال ٹو آئی بال ہیں آئی بال ٹو آئی بال ہوتا کیا ہے اس میں کلیئرٹی دکھانا ضروری ہے آپ کو کلیئرٹی جناب یہ ہے کلیئرٹی یہ ہے کہ وہ پونچھ ہے انڈین آکیوپائڈ پونچھ ہے ٹھیک ہے انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں ٹھیک ہے وہ اس کی پوسٹ ہے اف یو فالو مائی ہینڈ وہ ہماری پوسٹ ہے بیچ میں جو نلہ ہے وہ لائن آف کنٹرول ہے آئی بال ٹو آئی بال جو سچویشن ہے آپ کی ایسے ہے آل اکراس کشمیر اپ ٹل سیاچن جو الگ الگ ہیں موو لائن آف کنٹرول موو کرتا ہے ٹرین کے ساتھ کئی پہاڑیاں ہماری ہیں کئی ریج ان کی ہے کئی نلہ ہمارا ہے ایک ریور پہ وہ ہیں ایک ریور کی سائڈ پہ ہم ہیں The line is in control, the roads are out of control on the line of control. یہ جو پہاڑ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ڈینس فارسٹ ہے سر یہ جو جنگلات ہیں دس از ہیلڈ ود انڈین آرمی اور اس کے رائٹ کی طرف ہماری آبادی ہے یہ نیچے والی یہ ساری کی ساری ہماری آبادی ہے ابھی اس کو اس آبادی کو وہ ڈیلیبریٹلی ٹارگیٹ کرتا ہے اور ڈومینیٹ کرتا ہے اور اس کو لانگ رینجز وتھ اسمال آرمز اینڈ وتھ ڈائریکٹ فائرنگ اس پہ اس کے کتنے پوسٹ ہیں انڈینز کے کتنے پوسٹ ہیں جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں دیر آر 13 پوسٹ آف اینیمی اور ادھر ہماری فوج کا ایک بھی پوسٹ نہیں ہے ادھر ہماری فوج کی پوسٹیں ہیں اس طرف رج لائن پہ ہاں لیکن we cannot go down because of the tactical reasons magar mara bechara ye niche musliman jata hai uski reason sirf ye hai ki because of this thing ki jo azad jammu and kashmir population hai uska jo hamara political stance hai we do not recognize this loc as an international border we should discriminate a boundary between two states it's interesting to note what the colonel is saying ye idhar important point hai by the way explain karna ki loc runs تھرو لائفز یہ بارڈر نہیں ہے یہ فینس نہیں ہے یہ ایک سیز فائر لائن ہے نیچے عام بیچارے لوگ رہتے ہیں اوپر انڈینز ڈومینیٹ کرتے ہیں پاک فوج جو ہے وہ اس کے پاس بھی ہائٹس ہیں مگر کمانڈنگ ہائٹ اس وقت اس سچویشن میں اس کے پاس ہے اور وہ مجبور کرتا ہے
मजबूर करता है लोकल पॉपुलेशन को, और ऑफ कोर्स आर्मी जितना कर सकती है इतना करती है, रिएक्शनरी फायर करती है, बट बॉटम लाइन ये है सबसे बड़ा विक्टिम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के नज़र आ रहा है, सबसे बड़ा विक्टिम इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट का कश्मीरी है। वेलकम अगेन टू द लाइन ऑफ कंट्रोल। अब लाइन ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग किस्म के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CBMs जिन्हें कहते हैं, वो तैनात किए गए हैं। अब ये जो है ये 4 क्रॉसिंग्स हैं ऑफिशियली, वैसे तो लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत लंबी है मगर 4 क्रॉसिंग्स हैं जो तैनात की गई हैं फॉर नॉर्मल क्रॉसिंग। एक चिलियाना नॉर्थ में, एक चकोठी बीच में, हम जिधर खड़े हैं वो तिथरी कोट है, और एक नीचे तता पानी है। ये पोस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है ये वाली, इसे RPCP कहते हैं, रावला कोट पूंछ क्रॉसिंग पॉइंट, क्योंकि ये पिछले दिनों में लड़ाई इतनी हो गई थी इंडियन साइड से, इतनी CFVs सीज़फायर वायलेशंस हो गई थी कि इसे बंद करना पड़ा, मगर फिर ऑन द बिहेस्ट ऑफ द आर्मी एज वेल एज द लोकल ट्रेडर्स ये अब खुल गई है। ट्रक भी तैयार हैं, इंडियन ट्रक्स अभी आएंगे, पाकिस्तानी ट्रक्स वापस आएंगे। रेशियो जो है वो भी इंटरेस्टिंग है, मुशर्रफ साहब के ज़माने से तकरीबन 40,000 ट्रक्स आ जा चुके हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम अराउंड 26,000 हैव बीन इंडियन, द रेस्ट हैव बीन आज। बट बार्टर पे आजकल जो है पाकिस्तान की तरफ से छुआरे वगैरह जा रहे हैं और उधर से हर्ब्स एंड स्पाइसेस आ रहे हैं। अब इमेजिन इतना लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है, इतनी लड़ाई हो चुकी है, इतनी जंगें इस पे हो चुकी हैं, मगर फिर भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो पाक आर्मी करवाती है, अपनी सुपरविजन से गेट खुलवाती है, अपनी सुपरविजन से ये ट्रेड करवाती है। इट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि वन कैन टॉक ट्रेड एंड फाइट एट द सेम टाइम। अब इंटरेस्टिंग जो चीज़ ये है कि गार्ड कमांडर ने कॉशन दी, उधर से भी कॉशन आई, दिस इज़ डन एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे वी आर टोल्ड, एंड अब साइमल्टेनियसली गेट खुलेगा। एंड हियर वी गो, ट्रक्स उधर लाइंड अप हैं, ट्रक्स इधर लाइंड अप हैं। अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम वाघा, हमने वाघा भी कवर किया, आपने देखा है। अब वी बीन टोल्ड नॉट टू क्रॉस द गेट, इंडियन ऑफिशियल्स, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स फ्रॉम द ट्रेड यूनियन डूइंग देयर थिंग, और ये लिस्ट जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, नंबर ऑफ़ ट्रक्स, नंबर ऑफ़ आइटम्स वगैरह जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। इंटरेस्टिंग है ना, अब वाघा में आपने देखा होगा वो मूछों वाले रेंजर्स सीना निकाल के, सीना तान के खड़े होते हैं, एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं। इधर इट्स एक्चुअली क्वाइट द ऑपोजिट, हालाँकि ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, हालाँकि ये कश्मीर है, मगर फिर भी नॉर्मलाइजेशन के लिए इंडिया का गेट खुला हुआ है, वो हमारे ट्रक्स, पाकिस्तानी ट्रक्स खड़े हुए हैं। और ये जो है यार, फ्लैश नहीं कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी ट्रक्स खड़े हुए हैं, ये हमारे इधर इंडियन ट्रक्स खड़े हुए हैं। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू, ये इनके ट्रेड ऑफिशियल्स हैं, एंड लेट द ट्रेड बिगिन। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं पता था कि ये एक्चुअली होता है, मगर जितना आप ट्रैवल करते हो, जितना मूव करते हो, जितना आप तहकीक करते हो, और यही महाज का इथोस है, महाज का मैसेज है। मुझे नहीं पता था कि कश्मीर जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में, जिसे
one of the most militarized conflict zones in the world samjha jata hai. Udhar 7 lakh Indian fauj, idhar is side pe 2.5-3 lakh Pakistani fauj. Ceasefire violations, rocket attacks, bayan bazi, tana bazi ke bawajood roz to nahi, hafte mein kam az kam 5 baar ye trade hoti hai. Indian trucks aake aapko barter system ke tahat samaan dalte hain, aap Indians ke saath trade karte ho. Again, ye jo sign hai, ye indication hai ke normalization possible hai. Duniya ke sabse lambe conflict mein, sabse long standing conflict mein, according to the United Nations, agar is kisam ki normalization possible hai, to why can't we make more gains? We kehte hai na ke if we cannot be friends, then at least let's not be enemies. Agar dosti nahi ho sakti, to dushmani bhi na ho. Kam az kam hamsayon wali to baat cheet ho. Ye uska indication hai. Tata ke trucks hai, Indian, aur ja rahe hain. Aur din raat ye trade chalti hai. Aur Kashmir mein chalti hai. Everything is possible if you put your mind to it. Aur you can talk, trade, and resolve the Kashmir conflict at the same time. Yehi hai aaj ka Mahaaz. Pakistan, Zindabad.